हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अवर चैनल। तो दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि जो हमारा होम फ्रेगमेंट का जो काम है, वो फिनिश कर लिया था। अब इस वीडियो के अंदर हमें जो है कैटेगरीज के साथ काम करना शुरू करना है। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो हमारा जो ड्रॉअर है उस पर हमें लिसनर एक सेट कर देना है ऑन क्लिक मेथड, ताकि हम जो है हमारे फ्रेगमेंट्स के बिटवीन जो है स्विच कर सकें। और उसके बाद हमें एक टेबल सेट करना है, तो वो टेबल हम सेट करेंगे जहाँ से हम कैटेगरीज को ऐड या डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हर बार की तरह मैंने यहाँ पे हमारा कोड जो है वो ओपन करके रखा है और सर्वर भी जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है हमारा करंट सिचु ये है हमारा ऐप। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये होम फ्रेगमेंट है, ये होम पे अभी हम क्लिक कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, कैटेगरीज पे भी कुछ नहीं हो रहा है। तो हमें पहले ये ड्रॉअर के जो बटन्स है इस पर हम लिसनर सेट कर दें, ताकि हम यहाँ पे जो है हमारा फ्रेगमेंट जो है वो चेंज कर पाएँ। और उसके बाद हमें एक टेबल सेट करना है, और टेबल के लिए हम यहाँ पे अगेन हमारे डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो मटेरियल टेबल, तो हमें यहाँ से सिंपली टेबल के अंदर आ जाना है। और टेबल के अंदर यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है मटेरियल टेबल एडिटेबल, ठीक है, यहाँ पे ये आप देख सकते हो, यहाँ से हम इसका सोर्स कोड कॉपी करने वाले हैं। तो चलिए पहले तो हमारे फ्रेगमेंट का जो काम है वो सेट कर लेते हैं, ड्रॉअर पे बटन सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो है डैशबोर्ड ओपन करने वाले हैं, डैशबोर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया था, मेन के अंदर टूल बार, और टूल बार के नीचे हमने होम फ्रेगमेंट ऐड किया था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमारा जो एक और फ्रेगमेंट है कैटेगरी फ्रेगमेंट, वो हम पहले सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेगमेंट, ये रहा फ्रेगमेंट फोल्डर, इसके अंदर हम एक न्यू फाइल बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे मैनेज कैटेगरी फ्रेगमेंट, मैनेज कैटेगरी फ्रेगमेंट डॉट जे एस, ठीक है। उसके बाद होम फ्रेगमेंट ओपन करते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि रेंडर फंक्शन के अंदर हमने क्या सेट किया हुआ है। ठीक है, आउटलाइन ओपन कर लेते हैं यहाँ से, ये रहा हमारा रेंडर फंक्शन, उसके अंदर है एक डिव कंटेनर एप बार, ठीक है। और उसके अंदर टैब्स है, तो हमें टैब्स तो नहीं चाहिए, सिर्फ कंटेनर और ये डिव एक चाहिए, इतना कोड हमें सेट करना है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे आ जाएंगे, और पहले तो आर सी ई, ठीक है, ये हमारा क्लास बेस्ड कंपोनेंट का जो स्निपेट है वो सेट कर देगा। उसके बाद हमें होम फ्रेगमेंट पे जाना है, और ये कंटेनर जो है यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, और इस पे कंट्रोल स्पेस जो है वो प्रेस करेंगे। उसके बाद कंटेनर को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद सेव करते हैं इसको, डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, और यहाँ पे हमें क्या करना है, मेन के अंदर अब यहाँ पे हमें कैटेगरी फ्रेगमेंट जो है मैनेज कैटेगरी फ्रेगमेंट वो सेट करना है, ठीक है। और होम फ्रेगमेंट को अभी कमेंट कर दें, सिर्फ हम चेक कर रहे हैं इसलिए। सेव करते हैं और वापस चलते हैं हमारे ऐप में, और यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डेटा नहीं है, हम सिंपली एक टेक्स्ट जो है वो सेट कर लेते हैं, मैनेज कैटेगरी फ्रेगमेंट कंटेनर के अंदर कैटेगरी, ठीक है, सेव, ठीक है। तो ये काम कर रहा है। अब क्या करना है, हमें जो है डैशबोर्ड पे आ जाना है, और यहाँ पे हर एक आइटम के लिए एक हमें लिस्टनर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें एक स्विच स्टेटमेंट बनाना चाहिए, ठीक है, एक फंक्शन बनाएंगे अब रिटर्न के पहले, यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम हम रखेंगे सेट फ्रैगमेंट, ठीक है, और ये एक पैरामीटर लेगा फ्रैगमेंट, और उसके बाद हम इस फंक्शन को, फंक्शन के अंदर हम एक स्विच स्टेटमेंट सेट करना है, स्विच, यहाँ पे फ्रैगमेंट की वैल्यू हम चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें स्ट्रिंग जो है वो सेट करनी है होम, ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, मैनेज फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमें पहले तो, क्योंकि ये फंक्शनल कंपोनेंट है, तो यहाँ पे हमें यूज़ स्टेट का जो है यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ स्टेट हुकअप का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। और इसका नाम रखेंगे फ्रेगमेंट और सेट फ्रेगमेंट, और इनिशियल वैल्यू हम इसकी सेट करेंगे होम। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अब पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है, सिंपली सेट फ्रेगमेंट। और उसके बाद यहाँ पे अगर होम होता है, ये फ्रेगमेंट के लिए हम चेक कर रहे हैं, अगर होम होता है तो हम क्या करेंगे, ब्रेक नहीं रिटर्न करेंगे, रिटर्न होम फ्रेगमेंट हमारा, ठीक है। और सेम तरीके से इस मेथड को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पे करेंगे मैनेज कैटेगरी, उसके बाद यहाँ कर देंगे मैनेज कैटेगरी फ्रेगमेंट। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमें सिंपली वो फंक्शन को कॉल करना है, दिस नहीं, डायरेक्टली हमारा जो है सेट फ्रेगमेंट, ठीक है, सेट फ्रेगमेंट भी नहीं, इसका नाम चेंज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये दो सेम मेथड हो जाएंगे, लोड फ्रेगमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन लोड फ्रेगमेंट को कॉल करेंगे, उसके बाद हमें यह करना है, अब हर एक लिस्ट आइटम जो है उस पर ऑन क्लिक मेथड हमें सेट करना पड़ेगा। ऑन क्लिक और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई सेट फ्रैगमेंट, और इसके अंदर हम सेट करेंगे होम। उसके बाद ये सेम चीज़ यहाँ से हम करेंगे कॉपी, और नेक्स्ट जो बटन है हमारा कैटेगरीज के लिए, वहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ पे सेट करेंगे मैनेज कैटेगरी, जो कि यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं, और अब चेक करते हैं। ठीक है, अब होम फ्रेगमेंट है, कैटेगरीज पे क्लिक करते हैं तो कैटेगरी पे आ गए, होम फ्रेगमेंट पे हम वापस से होम फ्रेगमेंट पे आ गए, और ये अगेन लोड हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को हमें शायद फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोड हो चुका है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हमें पहले फिक्स करना पड़ेगा, होम फ्रेगमेंट पे चलते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लोड कैटेगरीज कंपोनेंट डिड माउंट, ठीक है। तो यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट पे हमें क्या करना है, दिस डॉट सेट स्टेट, और ओके यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, सेम चीज़ हमें यहाँ से कॉपी करनी है, और सिर्फ लोडिंग डायलॉग को डिसमिस करना है, तो सेव कर देंगे। और अब जो है चेक करते हैं अगेन, ठीक है, लोड हो चुका है कैटेगरीज होम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी काम कर रहा है, कैटेगरीज होम, ठीक है, हम स्विच कर पा रहे हैं अब, इसलिए अभी काम नहीं करेगा क्योंकि हमने इस पर सेट नहीं किया है। तो अब हमें क्या करना है, लास्टली हमें ये
कैटेगरी के अंदर हमारा जो टेबल है वो हमें सेट करना है। तो टेबल के लिए यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से हमें इसका सोर्स कोड चाहिए, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो इसका कोड जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद मटेरियल टेबल डेमो, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं और अगेन चलते हैं मैनेज कैटेगरी, होम फ्रेगमेंट को क्लोज कर देंगे और कैटेगरी जो टेक्स्ट है उसके बदले यहाँ पेस्ट कर देंगे चीज़ें, सेव करेंगे और अब देखते हैं क्या क्या मिसिंग है। ओके, पहले तो ये भी कंपोनेंट है तो उसको पहले हमें हटाना पड़ेगा। मटेरियल टेबल और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये दो इम्पोर्ट्स हैं, इसको यहाँ से हम कट करेंगे और ऊपर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद एक्सपोर्ट वाला जो फंक्शन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसको हम क्लोज कर देंगे और यहाँ से भी एक ब्रैकेट उड़ा देंगे। उसके बाद क्या करना है, ये जो कॉन्स्टेंट वाला जो फंक्शन सेट किया हुआ है रिटर्न तक कट करेंगे और रेंडर के पहले ऊपर पेस्ट कर देंगे। एंड उसके बाद रेंडर और रिटर्न, तो रिटर्न यहाँ से हटा देंगे, सेव करते हैं और अब देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है। रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है, ये दो बार इंपोर्ट किया है, सेव, यूज स्टेट, ओके, ये चीज़ उड़ा देंगे। इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें स्टेट का यूज़ नहीं करना है, मतलब हम हमारा क्लास बेस्ड जो स्टेट है वो यूज़ करने वाले हैं। सेव करते हैं, स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो जहाँ पे भी स्टेट है वो सारे स्टेट को हम जो है सिलेक्ट कर लेते हैं ठीक है। उसके बाद दिस कर देंगे, उसके आगे सेव। अब सेट स्टेट के आगे भी सेम चीज़ करनी है हमें। सेट स्टेट हमने कहाँ कहाँ यूज़ किया है, ये रहा, सारे सेट स्टेट्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसके आगे दिस डॉट कर देंगे, सेव। अब क्या प्रॉब्लम है, मटेरियल टेबल, ओके, इसके लिए शायद हमें कोई डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी, मॉड्यूल नॉट फाउंड मटेरियल टेबल। ठीक है, हमें डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी इसके लिए, मटेरियल टेबल। ओके सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो हमें जो है इस लाइब्रेरी को या फिर इस मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए हमें जो है हमारा रिएक्ट वर्जन को अपडेट करना पड़ेगा, या फिर हम जो है पुराना वाला मटेरियल टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, 1.36 वाला। तो हम क्या करेंगे, पुराना वाला वर्जन जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वापस से आ जाना है और यहाँ पे मटेरियल टेबल और उसके आगे हमें पीछे एट वर्जन 1.36.0 और फिर एंटर कर देंगे। ओके सर, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है और वापस से अब हम npm स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, npm स्टार्ट। उसके बाद इसको कर, ओके सर, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ऐप अगेन जो है रिफ्रेश हो चुका है और इस बार कोई जो है एरर नहीं है, तो हमारी हमारा जो टेबल है वो अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है, मॉड्यूल जो है वो ऐड हो चुका है। अब हमें जो है यहाँ पे बाकी की जो एरर्स है उसको सॉल्व करना है, जैसे कि ये कॉलम्स ऑफ नल। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमारा
स्टेट जो है उसको डिफाइन कर देना है। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर आर कॉन्स्टेंट की मदद से बना लेंगे और उसके बाद दिस डॉट स्टेट को डिफाइन कर देंगे और फिर सेव कर देंगे सिंपल। और अगेन यहाँ पे चेक करते हैं, कैटेगरीज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा टेबल जो है वो आ चुका है। और अगेन यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारे आइकन जो है वो शो नहीं हो रहे। उसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमें जो है ये सारे आइकन्स को जो है टेबल आइकन्स में ऐड भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, टेबल आइकन्स को यहाँ से कॉपी करते हैं, उसके बाद चलते हैं हमारे कोड पे और यहाँ पे हमें ऊपर जो है क्लास के ऊपर पेस्ट करना है टेबल आइकन्स को। और उसके बाद मटेरियल टेबल जो है हमारा उसमें आइकन्स प्रॉप्स के अंदर जो है हम पास कर देंगे हमारे टेबल आइकन्स, ठीक है। और उसके बाद अगर सेव करके चेक करते हैं तो अब जो है हमारे आइकन्स भी डिस्प्ले होने चाहिए। ओके, अगेन एक और चीज़, यहाँ पे हमने इंपोर्ट नहीं किया है तो हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा सारे आइकन्स को। ठीक है, चेक। ओके, यहाँ से एक काम करते हैं, इंपोर्ट यहीं से कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं। और आप देखते हैं एड बॉक्स, ठीक है, सेव। ओके, अब कैटेगरीज पे चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे थे हमारे सारे आइकन्स जो है वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने हमारा टेबल तो जो है सेट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगेन हमें डेटा जो है वो भी डिस्प्ले करवाना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।